इस सीजीआय चीफ जस्टिस संविधानला आणि प्रजातंत्राचा उसूल जो आहे त्याला त्याचा नियम पालन करून हे निर्णय घेणार. आता निर्णय रिझर्व झाला आहे पण आम्हाला पूर्ण यकीन आहे, विश्वास आहे आमच्या तरफ होणार आहे. तोडफोड करून हे संपूर्ण सरकार महाविकास आघाडी सरकार पाडलं, विकत घेतले होते आमदार, असा सुद्धा एक आरोप झाला होता. आरोप नाही आहे, तथ्य आहे. आणि सगळे जो टेक्नॉलॉजी आहे आम्ही सांगितलं होतं आणि आमचं काउन्सिल पण हे सांगितलं होतं. 27 सुप्रीम कोर्टचा निर्णय त्यानंतर ही जो सारा जजमेंट आया, जो फ्लो टेस्ट हुआ, वो सभी अपात्र हुआ. क्योंकि जो लोग डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमने स्पीकर का निर्णय होता है, आधार होता है, आपने उनका ही जो पावर होती है वो खींचने की कोशिश की थी, तो वो उस पे सारा आर्ग्यूमेंट हुआ है. लेकिन इसके लिए पूरा उद्धव ठाकरे रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा भी युक्तिवाद जो है वो शिंदे ग्रुप की तरफ से. वो लोग कुछ भी लगा ले, वो कुछ भी लगा ले. नहीं नहीं, रेजिग्नेशन से सरकार नहीं गिरी, इनके पन्नास खोके की वजह से गिरी. इनकी जो लाचारी, जो इनकी मैं कहूंगी जिस तरीके से इनको ये था कि हम पैसे कमा लें, हम अपने सारे केसेस खत्म कर दें, हम कोर्ट का निर्णय भी अपने फेवर में ले लें, वो सब आज जनता के सामने आया. आज कोर्ट में क्लियरली बताया किस तरीके से 27 तारीख के जजमेंट जो भी जो डिसीजन भी जो हुआ है, 27 तारीख का जो डिसीजन हुआ है वो भी क्लियरली तथ्य छुपा कर किया गया. अगर 7 बेंच जजेस की तरफ ये गए तो और हियरिंग होगी और ये लेट हो जाएगा. लेट हो या जो भी हो, पर सत्य को कायम रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है. और भले ही हमें लड़ाई लड़नी पड़े, हमें ये विचार करना है कि आने वाले समय में कि क्या प्रजातंत्र के उसूलों का पालन होगा या नहीं होगा. और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो तो क्लियरली कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था. राज्यपाल की क्या इसमें जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्यों इंटरफियर किया, उनकी जरूरत ही नहीं थी. तभी हम कहते हैं कोश्यारी को जो वापस भेजा है, कोश्यारी के अपने कर्म चुकाने पड़े हैं, इसलिए वो वापस. बिल्कुल, कोश्यारी आपले कर्म चुकावे लागलेले आहेत आणि म्हणून त्यांना परत पाठवलेला आहे, असा थेट आरोप जो आहे तो राज्यपालावर केलेला आहे. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे